सब्जेक्टिव शीट नंबर 29, कितने लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? सर फर्स्ट का आंसर 48 न्यूटन आ रहा है। बिल्कुल ठीक, फर्स्ट का आंसर 48 न्यूटन आ रहा है। करेक्शन करो प्लीज, फर्स्ट का आंसर यहाँ पर 48 न्यूटन, करेक्शन कर लो। मेथड क्लियर है सबको? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। आपको ऐसा नहीं लगता सेकंड क्वेश्चन में ये 125 पहले आ रहा है, 75 बाद में आ रहा है? आंसर उल्टे लिखे हुए हैं शायद। यस सर, हाँ ऐसा ही है, 125 और आंसर 75, 125 नहीं है, 125 75 है। देखो इस क्वेश्चन में दो मासेस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टी निकालना है व्हेन 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन M1 एंड M2। तो एक्चुअल में क्वेश्चन दो बार सॉल्व होने वाला है। पहले डायग्राम उसने एक तो बना के दे दिया, दूसरे केस में आपके पास ये बनेगा और इस केस में फोर्स एफ को उसने राइट पे लगाने को कहा। तो इस केस में ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन, और इस केस में भी फोर्स की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन। एक बार फोर्स एक ब्लॉक पे लगेगी और दूसरी बार फोर्स दूसरे ब्लॉक पे लगेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो दो बार न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, टेंशन टी एंड टी, यहां पे टेंशन टी डैश एंड टी डैश एस ए। ये सिस्टम यहां मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए और ये यहां मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि लेफ्ट जा रहा है तो 200 बड़ा है, टी छोटा है, इस 30 इंटू ए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्योंकि ये भी लेफ्ट जा रहा है तो टी इज इक्वल टू 50 इंटू ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, पहले ए निकालेंगे, फिर ए को यहां पुट करके टी निकालेंगे, टी 125 न्यूटन आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड केस करेंगे, इसमें राइट जा रहा है, राइट जा रहा है तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, राइट जा रहा है तो एफ बड़ा है, टी डैश छोटा है, 50 इंटू ए फर्स्ट इक्वेशन। ये भी राइट जा रहा है तो टी डैश इज इक्वल टू 30 इंटू ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके एफ को पुट करेंगे 200 न्यूटन, सॉल्व करके ए आएगा, ए आएगा तो ए को यहां पुट करके टी डैश आएगा। कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया ए दोनों में सेम आएगा, ए दोनों में सेम आएगा, ए में कोई फर्क नहीं है, टी और टी डैश में फर्क है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि ए सेम है तो सोचते हैं कि टी भी सेम होगा, तो आंसर सेम मार्क कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में। नहीं करना, आपने ब्लॉक पे फोर्स राइट पे लगाई या आपने फोर्स लेफ्ट पे लगाई, वो जो है उसके हिसाब से आंसर डिफरेंट आएगा, टी का ए का नहीं, ए की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन? यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। ये ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट है, स्पेस नहीं है, जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो ये हमने किया था ना, वो दो ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, थ्री ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, अंदर की कॉन्टैक्ट फोर्स एफ एंड एफ या टी एंड टी, टी डैश एंड टी डैश, कुछ भी। तो ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। पेयर में होगी टेंशन T3 T3, T2 T2, T1 T1। तो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट। 7th एक बार क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं। 7th में इसका वेट कितना है, 4g। तो ये कहां आएगा, नीचे। ये कहां जाएगा, इधर। ये कहां जाएगा, ऊपर। इसका वेट क्या है, 2g। तो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन 4g माइनस T2 इज 4 इंटू ए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अंदर क्योंकि ये राइट जा रहा है तो T2 माइनस T1 इज 8 इंटू ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 2G इज 2 इंटू ये ए, ये थर्ड इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करके T1 T2 सब कैंसिल, ए आएगा, ए आएगा तो T1 T2 कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक?
इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना फिर सेवेंथ के बाद. क्वेश्चन नंबर एट्थ में डाउट, एट्थ में बता देता हूं. एटवुड मशीन होती है ये. व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच मास इन टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड. ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले निकलेगी एक्सेलरेशन. मैंने दो ब्लॉक्स के लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करवाया था. दो ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 12 - 10 डिवाइडेड बाई 12 + 10 इंटू जी का मतलब 9.8. तो समझो आपने एक्सेलरेशन तो निकाल ली. फिर वो एक्सेलरेशन पूछ नहीं रहा, वो स्पीड पूछ रहा है. तो मान लो 10 kg ब्लॉक के लिए स्पीड पूछ रहा है. पहले इनिशियली बॉडी किस पे थी, रेस्ट. वी आपको निकालना है, टाइम 3 सेकंड के ऊपर वी निकालना है. और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में आपको पता है, तो आप अप्लाई करें वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. तो वी इज इक्वल टू 0 + एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे और टाइम की वैल्यू 3. यहां से क्या जाएगा आंसर. उसी तरीके से अगर मास 12 kg का है तो 12 kg के मास के लिए भी से, और हाँ इसमें डिस्टेंस भी निकालना है. तो एक और इक्वेशन लगा लेना, 0 + 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 3 का स्क्वायर. एक्सेलरेशन पुट कर देना यहां से, यहां आंसर आ जाएगा. फिर 12 kg का मास है, सेम चीज अप्लाई करना. वी और एस दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है. अब एस सेम क्यों आएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये नीचे ट्रेवल करेगा या ऊपर ट्रेवल करेगा उतना ये ऊपर ट्रेवल करेगा. तो एस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट होगी, वो बात अलग है. पर मेथड आपका यही करना पड़ेगा जो मैं यहां पे लगा रहा हूं. नाइन्थ क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 3 ब्लॉक सिस्टम है. तो 3 ब्लॉक्स हमने किया है, ये भी 3 ब्लॉक्स है. मैंने आपको क्लास में करवाया था 3 ब्लॉक्स इक्वेशंस कैसी बनेंगी. तो ये आपकी शीट नंबर 29 है.